सो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो इन विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यासा का मालिन सॉफ्ट कार्बन। सो जो बॉक्स है वो कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हो बहुत नॉर्मल पैकेजिंग है, जैसे आपका स्वीडन एक्स्ट्रा में था वैसे इसका पैकेजिंग है। एंड आप देख सकते हो इस पर लिखा हुआ है यासा का मालिन सॉफ्ट कार्बन, दिस इज एन ऑफ माइनस प्लेट। बैक ऑफ द साइड आप देख सकते हो यासा का ब्रांडिंग मैटाइज फैल्क बना हुआ है। एंड इसके जितने भी मॉडल्स आते हैं जैसे सॉफ्ट मालिन कार्बन हो गया आपका, फिर स्वीडन एक्स्ट्रा हो गया, फिर आपका स्वीडन क्लासिक हो गया, मेटाइज फैल्क कार्बन हो गया एंड फैल्क वुड 7 हो गया। चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। सो जैसे कि पता है अभी नया रबर रिलीज हो चुका है राग्जा XX, उसका भी इन्होंने ब्रांडिंग कर दिया है। सो अब चलते हैं ब्लेड के ऊपर। जो फ्रंट फेसिंग है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, आप देख सकते हो यासा का बना हुआ है, मालिन का सिग्नेचर है एंड लिखा हुआ है मालिन सॉफ्ट कार्बन एंड इधर आपका ब्रांडिंग में दिया हुआ है। जो ब्लेड टाइप है वो है ऑफेंसिव माइनस, आप इधर भी देख सकते हो इस पे लिखा हुआ है 7 ply 5 वुड है और 2 कार्बन लेयर्स है। फ्रंट साइड ऑफ द हैंडल आप देख सकते हो मालिन सॉफ्ट कार्बन लिखा हुआ है, मालिन SC लिखा हुआ है। बॉटम ऑफ द ब्लेड आप देख सकते हो यासका का लोगो दिख सकता है आपको, प्रीमियम लेंस दिखेगा आपको यासका का। एंड पीछे की तरफ ब्लेड में कोई ग्राफिक्स नहीं है बट और पीछे वाले हैंडल पे आपको चैंपियन मैन्युफैक्चर यासा का मेड इन स्वीडन लिखा हुआ दिख जाएगा एक लेंस में। सो यासा का में मालिन सीरीज में 4 ब्लेड्स आते हैं। सो पहला है मालिन कार्बन, उसके बाद आता है मालिन सॉफ्ट कार्बन, उसके बाद आता है आपका मालिन एक्स्ट्रा ऑफेंसिव, लास्ट में आता है आपका मालिन एक्स्ट्रा स्पेशल। जैसे कि आपको पता है यासा का एक जापानीज ब्रांड है बट जो ये ब्लेड है ये बना है स्वीडन में, आप देख सकते हो इसमें भी लिखा हुआ है मेड इन स्वीडन। सो ये एक बहुत टाइप का इंटरेस्टिंग ब्लेड है क्योंकि इसका जो कार्बन है वो बहुत पतला है जिससे आपका स्वीट स्पॉट एंड आपका जो कंट्रोल प्ले होगा वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इसका जो लेयर है कार्बन का वो बहुत ज्यादा थिन है एज कम्पेयर टू दूसरे ब्लेड जिसमें आपको थोड़ा थिकर वर्जन का कार्बन दिखेगा। ये ब्लेड भी एक इनफोर्स कार्बन ही है जिसका जो स्ट्रक्चर है वो पहले 2 वुड है उसके बाद कार्बन है उसके बाद फिर वापस वुड है। सो एक इनफोर्स कार्बन ब्लेड है, तो आपको पता है इनफोर्स कार्बन ब्लेड आपको स्वीट स्पॉट एंड आपको जो आपका ड्यूअल टाइम है वो इंक्रीज करता है आपका कोई भी ब्लेड में जो इनफोर्स कार्बन से बना हुआ है। सो ये भी एक इनफोर्स कार्बन है एंड इससे आपका टच प्लेस एंड जब आपको पावर हैवी पावर हिटिंग करना है तो आपको ये इजिली गियर चेंज करते हुए दिखेगा। जैसे आप टच प्ले खेलोगे तो आपके लिए बहुत ईजिली कंट्रोल रहेगा एंड जब आप पावर हिटिंग करोगे तो आपको कार्बन वाला फील मिलेगा इस ब्लेड। दिस ब्लेड इज नेम्ड आफ्टर ओलंपिक चैंपियन मालिन। आपको पता है मालिन बहुत अच्छा पेन होल्डर था, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इन पेन होल्डर्स। सो ये उनका रैकेट है, उनके नाम पे बना हुआ है एंड इसमें 4 मॉडल्स आते हैं जैसे कि आपको मैंने पहले बताया एंड ये वाला सॉफ्ट कार्बन वर्जन है। तो चलिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। स्पीड है इसका 7.7, कंट्रोल ऑफ दिस ब्लेड इज 8.3, स्टिफनेस ऑफ दिस ब्लेड इज 4.7, हार्डनेस ऑफ दिस ब्लेड इज मीडियम, वेट ऑफ दिस ब्लेड वेरीज फ्रॉम 88 ग्राम्स टू 92 ग्राम्स। तो चलिए इसके कॉम्पोजिशन के बारे में बात करते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ दिस ब्लेड आर एनेग्री, लिम्बा, सॉफ्ट कार्बन, ओएस, सॉफ्ट कार्बन, लिम्बा एंड एनेग्री। तो अब ये क्वेश्चन आता है ये ब्लेड किन लोगों के लिए। सो ये जो ब्लेड है ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो प्लेयर्स डेवलप करना चाहते हैं अपना स्किल विद अ कार्बन रैकेट बट उनको पता नहीं है कि कौन से कार्बन वर्जन वाले ब्लेड पे जाना है, तो ये एक स्टार्टर पॉइंट हो सकता है क्योंकि ये जो ब्लेड है इसमें बहुत पतला कार्बन लेयर लगा हुआ है जिससे आपको हेल्प करेगा आपका गेम और इन्हांस करने के लिए। ये उन प्लेयर्स के लिए बहुत ही अच्छा है जो मतलब पहली बार कार्बन पे शिफ्ट करना चाहते हैं एंड दे वांट टू फील हाउ कार्बन फील्स। जाने से पहले आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, वो है साउंड टेस्ट।